हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गूगल गैलेक्सी। आज का हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट टू है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे औरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, औरों की मदद कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिसके कारण हमारा हौसला बढ़ता रहता है। हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट टू है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेट लॉ के बारे में, रेट लॉ कांस्टेंट के बारे में। अगर आपको थोड़ा बहुत पार्ट वन पढ़ा है, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए, उसी के आधार पे आपको पार्ट टू पार्ट सेकंड समझ आएगा। हमने पार्ट वन में ये वाली बात की थी, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, हमारे पास ये चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, केवल ये हमें रिएक्शन की रफ्तार, डेट इज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, केवल रिएक्शन की रफ्तार के बारे में नहीं बताता, बल्कि उसकी कंडीशंस को भी डिस्क्राइब करता है। हमने ये वाली बात की थी, जब हम ये चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, इस चैप्टर के द्वारा ना हमें केवल स्पीड और रेट के बारे में नहीं बताते बताता है, इसके साथ हमें कंडीशंस के बारे में भी बताता है, कंडीशंस को ऐसे को डिस्क्राइब करता है, कंडीशन को डिस्क्राइब करता है। हमने पार्ट वन में स्पीड और रेट के बारे में डिस्कस किया था, अब हम इस कंडीशंस के आधार पे इसके नीचे आने वाले रेट लॉ, पहले क्या था रेट ऑफ रिएक्शन, अभी इसके नीचे क्या आता है, जो कंडीशन डिस्क्राइब होती है रेट लॉ, इसके साथ और क्या आता है रेट लॉ, रेट लॉ कांस्टेंट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। बुक्स में अलग अलग नाम दिए हैं, आपको जो समझिए लर्न कर लो। इसके साथ एक तीसरा आता है यूनिट्स, हम इसके साथ आता है ऑर्डर, इसके साथ इस ऑर्डर के यूनिट्स, साथ में क्या आ जाते हैं ऑर्डर के यूनिट्स, ये सभी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ऑर्डर क्या होता है सुनते जाइए, अगर मैं कहूं कि ऑर्डर से पहले हमें रेट लॉ समझना होगा, वो भी सुन लीजिए। अभी मैंने क्या बताया है कि हमने ये वाली बात की है कि केमिकल काइनेटिक्स स्पीड के बारे में तो बताता ही है, वो हमने पार्ट वन में कर लिया है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, केमिकल काइनेटिक्स उस कंडीशंस को भी डिस्क्राइब करता है जिसके कारण हमारा रेट और स्पीड में फर्क आ रहा है, में अंतर आ रहा है। तो अगर आपको कहे इसको लिखने का तरीका क्या होगा, वहीं का इसका बताने का कि किस पे डिपेंड करता है, अगर मैं कहूँ वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो किसकी किस कैटेगरी में आ जाएगा, रेट लॉ के अधीन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको इस प्रकार से कहूँ, इसको थोड़ी बुकिश लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करती है कंसेंट्रेशन पे, किसकी कंसेंट्रेशन पे, जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं, किसकी कंसेंट्रेशन पे, जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं। अगर ऐसा है ज्यादा रिएक्टेंट जो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, कम रिएक्टेंट कम रेट ऑफ रिएक्शन, इस तरह की होनी को, इस तरह को बताने को क्या कहते हैं, रेट लॉ। इस तरह की होनी को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ। इसका एक्सप्रेशन है, जैसे हमने पार्ट वन में स्पीड और रेट का एक्सप्रेशन लिखा था, आपको लर्न होना चाहिए, उसी प्रकार से इस कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हुए रेट लॉ के साथ जुड़ा हुआ हमारे एक एक्सप्रेशन है, लिखने का तरीका है मैथ में, ठीक है। वो तरीका क्या है कि हम मान के चलते हैं हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, पहले साथ एग्जाम्पल के साथ साथ जनरल करता जाऊंगा, थोड़ा डिफरेंस बना के आपको समझ आता जाएगा। हम मान के चलते हैं हमारे पास कोई भी एक जनरल इक्वेशन रिएक्शन है, लेट इट बी, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स जो हैं वो कॉफिशेंट हैं, जो कैपिटल लेटर्स हैं वो एलिमेंट या कंपाउंड हो सकते हैं। हमारे पास ये एक जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि हम मान के चलते हैं हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, ये मैंने साथ साथ बैलेंस कर दी है। तो इसका जैसे यहाँ पे टू है वैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे वन है इसके आगे, यहाँ पे बी है, तो इसी प्रकार से ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट हमारा एक से ज्यादा आ सकता है, आपको मैं कंपेयर करके साथ साथ बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब हम कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास इसको लिखने का एक्सप्रेशन, इसको हम क्या हेडिंग डालेंगे, एक्सप्रेशन। हमने चीज जान ली है, उसको एक्सप्रेस करना है, वहीं से बना एक्सप्रेशन। मेरे मन की कोई बात है, मैंने जान ली है, अब उसको मैंने लोगों के सामने रखना है। उसको लिखने का तरीका हमारे मैथ्स की फॉर्म में जो है, मैथ के सहारे से हम वो चीज कह पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जो चीज हमने जान ली है उसको अगर हमने साइंस के टर्म में कहना है तो हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक एक्सप्रेशन। अगर हमने मैथ के शब्दों में लिखना है तो हम क्या कहेंगे, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सबको पता ही होता है। इसी प्रकार से हम इसका साथ साथ कंपेयर करके इसका भी एक्सप्रेशन लिखेंगे। अगर कोई पूछे कि इसका एक्सप्रेशन बताइए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किस किस में, जब हम कंडीशन डिस्क्राइब कर देते हैं, किस किस में जब हम कंडीशन डिस्क्राइब कर देते हैं, जो पीछे किया था वो क्या था, केवल स्पीड और रेट के बारे में बात हो रही थी। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जब हम कंडीशंस को डिस्क्राइब कर देते हैं तो इसके कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो निर्भर करती है, रेट ऑफ रिएक्शन वो निर्भर करती है, दोनों को कंपेयर करके साथ साथ हो रहा है। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास इसके रिएक्टेंट्स के कॉफिशियंट लेने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट के कॉफिशियंट लेने हैं हमारे पास बी, यहाँ पे वाई। सिमिलरली इसमें कैसे हो जाएगा, हम इसमें लिखेंगे एनओ का स्केयर, ये मैंने काट दिया है, एनओ का स्केयर O2 की पावर 1। ये जो हमारे पास चीज है, ये एक बात को याद रख लो, ये जो आगे लगे हुए हैं इसको हम कहते हैं कॉफिशियंट्स, ये जो हमारे पास पावर है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स, ठीक है। इसमें मैंने डिफरेंट क्यों लिए हैं, अगर ये चीज सेम होती है तो डिफरेंट क्यों लिए हैं। बेसिकली कुछ टर्म प्रैक्टिकल होती है, कुछ चीज थ्योरेटिकली होती है, वो आपको आगे जाके हल्का समझ आ जाएगा जब 2-3 मिनट लेक्चर के बीत जाएंगे। तो आप फिलहाल ऐसे याद रखिए कि हमारे पास एक्स एंड वाई का नाम क्या है, एक्सपोनेंट्स, इसका नाम क्या है, कॉफिशियंट्स। कॉफिशियंट्स और एक्सपोनेंट्स सेम हो सकते हैं और मे नॉट बी सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये एक्स और वाई प्रैक्टिकली टर्म में यूज होते हैं। कभी कभी ऐसे होता है जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लैब के दौरान हमें अंतर नजर आता है, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, थ्योरेटिकली हमारे पास एक्स एंड वाई क्या है, एक्सपोनेंट्स। कभी कभी ऐसे हो जाता है हमारे एक्सपोनेंट्स और कॉफिशियंट सेम हो जाते हैं, जैसे इसमें सेम हो रहे हैं, लेकिन इसलिए एक्स और वाई मैंने डाले हैं कि कभी कभी डिफरेंट हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको फिजिक्स की तरह एक्सपेंड करूं तो हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा के क्या आ जाएगा, के फॉर कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट कैसा है, ये कॉन्स्टेंट ऐसा है जो रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करता, जो रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करता, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के। ये क्या बता रहा है, ये मेरा कांस्टेंट जो है ये बता रहा है मैं टेम्परेचर पे डिपेंड करता हूं, मैं इसके इंडिपेंडेंट हूं। मैं जो बोला है उसको लर्न कर लो फिर से कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट आया है ये रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसी का नाम इसलिए पड़ गया रेट कांस्टेंट, इसका नाम क्या पड़ गया, रेट कांस्टेंट, मैंने यहां पे भी बता दिया है अभी। तो इसको हम बिल्कुल सिमिलर वे से लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू के फॉर कांस्टेंट, कैसा कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, जो रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करता, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जो कंडीशंस को डिस्क्राइब किया है हमने। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता जाएगा, ठीक है, तो वही बता रहा है वो। अच्छा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एनओ, अच्छा इसको पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मेरे को लिख लेने दो। अच्छा, तो इसकी पर तो इस रेट को कैसे लिखेंगे, माइनस डीआर ओवर डीटी। डीआर क्यों, क्योंकि कम हो रहा है रिएक्टेंट, माइनस मतलब कम होता, तो हम इसको इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसको भी हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हमें ये। अच्छा, तो फिर से अगर कोई पूछे ये जो हमने ड्राइव किया है ये किसके काम आता है, इसका एडवांटेज क्या है, हमने ये चीज बनाने दिख ली है, कंडीशंस को डिस्क्राइब करना सीख लिया है, तो ये किस लिए काम आता है, तो आंसर है ये ऑर्डर पता करने के लिए काम आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करने में आता है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अगर आपको कहे हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना है,
ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है, अगर वो रिएक्टेंट की एक स्पीसीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है। अगर दो पे डिपेंड करता है, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर है। इस मेन बात को याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करे तो फर्स्ट ऑर्डर, दो रिएक्टेंट पे डिपेंड करे सेकेंड ऑर्डर, थर्ड रिएक्टेंट पे डिपेंड करे थर्ड ऑर्डर, अगर किसी पे ना करे तो जीरो ऑर्डर। ठीक है, ये स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, अरे किसी पे कैसे क्यों नहीं होगा, हमें ये बताइए। तो मैं उनको ये वाली आंसर देता हूँ कि जब हमारे पास जीरो ऑर्डर के बारे में बात आती है, तो जैसे हम कहते हैं हमारे पास H2+Cl2 है, गिव राइज टू HCl, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इन दोनों का जुड़ना नहीं मायने रखता, ये दोनों क्या कहेंगे, ये दोनों टूटेंगे, पहले ये ब्रेक डाउन होंगे। एक कंसेप्ट होता है फ्री रेडिकल का, प्लस वन में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिलहाल इसको ऐसे याद रख लीजिए कि जब जब ये दोनों के ऊपर HV जितनी ज्यादा गिरेगी, जितनी ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रे गिरेगी, उतनी ज्यादा ये HCl बनाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, अल्ट्रा वायलेट रे पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी जीरो जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की। अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, अगर दो पे डिपेंड करे तो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड पे डिपेंड करे तो थर्ड ऑर्डर। इसका आपको जो चीज करने को आएगी वो सुनिए, बातों को बातों में मत जाइए, बस सिर्फ बात यह है कि आपको सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में ऐसे आता है कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, जब आप NCERT सॉल्व करोगे आपको ऐसे नजर आएगा, इन टेक्स्ट भी सॉल्व करोगे या बैक एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, आपको ऐसी इक्वेशन बना दी जाएगी, हमारे पास इक्वेशन है रेट, आपको ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर टाइप का दे दिया जाएगा, आपको उसमें से ऑर्डर पता करना है। अगर आपको ऐसे कोई दो रिएक्टेंट दे दे, आपको पूछे ये कौन सा ऑर्डर है, ठीक है, तो आंसर जब आप कैसे करोगे, आपको इस बार हर बार एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्स और वाई की पावर, इसको हर बार क्या करना है, ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना। अगर कोई ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पे ½+3/2, जो सी मर्जी क्वेश्चन है, जो सी मर्जी आपको क्वेश्चन गिवन है, अगर कोई ऑर्डर पूछे उनकी पावर को चुपचाप आपने ऐड कर देना और उसका आंसर निकाल के बाहर निकाल देना, इसका आंसर 2 आएगा। तो जैसे ये 2 आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। अगर आपको कोई मान ले ऐसी क्वेश्चन दे दे, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ऐसे आ जाए जो कि है वो जो रेट है वो इस प्रकार से हमें गिवन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका ऑर्डर कितने है, 1/3, इसका ऑर्डर कितने है, 2, तो दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास कितना जाएगा, 2 1/3, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है। ठीक है, कई प्रकार के ऑर्डर होते हैं, जीरो ऑर्डर होता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है, लेकिन आपको जितना सिलेबस में आप केवल उतना कीजिए, आपको केवल यहाँ तक सॉल्व करके रख देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, सेकेंड जीरो ऑर्डर होता है, फ्रैक्शनल होता है, ऑर्डर फॉर मल्टीपल स्टेप एंड कम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर भी होता है। ठीक है, तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना आपका लेवल है उतना कीजिए, केमिस्ट्री का कोई एंडिंग नहीं है, कोई अंत नहीं है। पहले था केमिस्ट्री, आज तक कुछ कुछ ना कुछ नया बन रहा है, हर पल कुछ ना कुछ नया बनता है केमिस्ट्री में, तो आप सारा का सारा याद करोगे, ठीक है, ऐसे कभी नहीं होता। तो सिर्फ केवल उतना होता है कि हमें सिर्फ उतना, जितनी हमारी फील्ड है, हमें सिर्फ केवल उतना ही परफेक्शन चाहिए होता है, उससे ज्यादा परफेक्शन दूसरी फील्ड के लोगों को के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज वे टू फाइंड आउट दी ऑर्डर। ऑर्डर आपको कोई भी गिवन हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन कर दी है, यहाँ पे हमारी इक्वेशन है, इसका पे सबसे पहले रेट कांस्टेंट कैसे बनाओगे। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट एग्जाम में गिवन भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्यों, क्योंकि कभी कभी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकली में अंतर होता है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एक्सपेरिमेंटल में उसकी कुछ एक्स और वाई की वैल्यूज बदल जाती हैं, जब हम बैलेंसिंग करते हैं वो कॉफिशियंट्स के इक्वल नहीं बनी रहती। इसमें बेसिकली अगर आपको गिवन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको इसका साथ में गिवन होगा, वो क्या है मैं लिख देता हूँ, एनो स्क्वायर, एनो स्केयर।
ये इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, एच टू का कितना है 1, एनओ का कितना है 2, तो 1 + 2 इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इसका आंसर है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर मतलब ये क्या है, टोटल रिएक्टेंट स्पीसीज पे कितने पे डिपेंड करता है, 3 पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यूनिट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, उसकी हम यूनिट्स कैसे पता करेंगे। मैं आपको एक शब्द में बताऊं, आपको उसको उसके बाद में डेरिवेटिव ड्राइव करके भी बताता हूं वो कैसे ड्राइव होगा। आपको मेन भाषा में आपको केवल ये वाला इक्वेशन याद रखनी है, मोल्स पर लीटर 1 - n S - 1। इसमें n की वैल्यू, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम यहां पे n की वैल्यू 1 डालेंगे। n की वैल्यू जैसे ही 1 डालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 - 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 - 1, तो क्या होता है 0, ये सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास केव कितना बचेगा S - 1। क्लियर, तो हमारे पास रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो हमारे पास के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के। आपको मेन इसकी डेरिवेशन है, कीजिए ना कीजिए आपकी इच्छा के ऊपर, लेकिन मैं करवा दूंगा 2 मिनट लगा के वीडियो के, एक्स्ट्रा आपको समझ जरूर आना चाहिए वो ड्राइव कैसे हुआ है हमारे पास, बस समझ लीजिए इसको, डेरिवेशन नहीं आती है कि ऑर्डर कितने ऑर्डर का ड्राइव करके ये फॉर्मूला कैसे आया, आपको केवल इतना आएगा फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स क्या होंगे, अगर आना होगा एनसीईआरटी जब सॉल्व करोगे, इन टेक्स्ट एनसीईआरटी या बैक एक्सेस करोगे। सेकंड ऑर्डर के बात करें तो एन इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 - 2, एन की वैल्यू डालनी है 1 - 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1, हमारे पास क्या आ जाएगा -1। जब -1 करेंगे तो -1 कैसे रिमूव होता है, मोल हमारा क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये ऊपर आएगा ये नीचे आ जाएगा, तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे। ठीक है, मैथ्स तो स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ्स के बगैर फिजिक्स और फिजिक्स तो बिल्कुल ही नहीं चलती है, केमिस्ट्री का फिर चल जाता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मोल -1 लीटर पर सेकेंड। मैथ्स आपको जरूर आना चाहिए, इतनी बड़ी क्लास है, आगे जाके मैथ के बगैर दुनिया चलती ही नहीं है, अगर मैथ नहीं आता तो कुछ नहीं आता, पूरे का पूरा संसार ही मैथ्स के ऊपर खड़ा हुआ है, जितना भी लेन देन है कुछ भी है। अगर थर्ड ऑर्डर है तो n = 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये अंदर जाके धक्का मारेगा, स्केयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा m -2। ठीक है, l 2 करके देखो, सॉल्व करके देखो, यहाँ पे 2 डाल के देखो, उसके अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा मोल ये हमारे पास। अच्छा, अगर जीरो ऑर्डर होता है, ये भी देखते जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर जीरो ऑर्डर होता है तो यहाँ पे 1 - 0, तो 1 - 0 मतलब क्या है 1, तो यहाँ पे नो पावर चेंज, तो इसको यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये सारे के सारे यूनिट्स हैं। लेकिन जब आपको को ड्राइव करने के बारे में बोले, तो अभी हमने किया है हमारे पास रेट ऑफ फ्रैक्शन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो हमने बताया था हमारे पास रेट जो होता है, रेट ऑफ फ्रैक्शन वो डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट पे और हमारे पास रिएक्टेंट स्पीसीज पे और उसके साथ उसके कंपोनेंट्स के ऊपर। ठीक है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं रेट के बारे में, तो हमें पता है रेट के बारे में हम कैसे डिसाइड करते हैं, रेट के जो यूनिट होते हैं वो मोल पर लीटर पर सेकंड होते हैं। अगर आपने पार्ट वन देखा है तो आपको ये समझ आ जाएगा मैंने ये कैसे लिख दिया है। ठीक है, हमारे पास ये जो रिएक्टेंट स्पीसीज ये किसमें होती है, मोल्स पर लीटर में, ये किसमें होता है, मोल पर लीटर में होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। मैं इसको ये पूरी की पूरी इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, अगर मैं के को इस तरफ एक तरफ कर दूं, ये वाले टर्म सारी की सारी नीचे चली जाएगी, तो ये ऐसे नजर आएगा रेट ऐसे, ये हमारे पास ऐसे नजर आएगा। अगर मैं इन दोनों की यूनिट्स इसमें पुट कर दूं, तो हमारे पास कैसे बन जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये सारा का सारा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं
अगर मैं नीचे ना लिखूं तो एस माइनस वन लिख सकता हूं, तो वही टर्म मैंने यहाँ पे ऐसे कर दी है। क्लियर। तो हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड, तो इसके साथ नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन का ये नीचे आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या डालेंगे हम, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मोल एन, ये ए की जगह मैंने ये सारी की सारी वैल्यू डाली उसकी पावर एन, तो हमारे पास इज इक्वल्स टू के। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, हमारे पास मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर है, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा मैथमेटिक्स की मदद से, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो बन के ये आएगी, के इज इक्वल्स टू मोल लीटर पर लीटर ये आउटपुट आएगी हमारे पास। क्लियर। तो ये हमारा सारा का सारा एक्सप्रेशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्लियर। दिस इज होल अबाउट द यूनिट्स ऑर्डर एंड रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, और उसकी जो इंटेग्रेशन डिफरेंशिएशन ग्राफिकल मेथड ये जो है उसके द्वारा हम और डिटरमाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। थैंक यू फॉर द लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो औरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, मदद कीजिए फ्रेंड्स की, ठीक है। अगर किस टॉपिक की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, हम ज़्यादा से जल्दी आपको अवेलेबल करके देंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक बात और कि अगर आपको, अगर हमारी ये मदद आपके लिए काम आ रही है तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है।